नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कुछ और ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी जानकारी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्रों के लिए एग्ज़ाम के संदर्भ में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल मीट के बारे में, आज के पेपर के बारे में और कुछ समस्याओं के बारे में, कुछ और ज़रूरी सूचनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत हुई आज 10 बजे की, पेपर मिल जाना चाहिए था सबको टाइम से, किसी को पेपर टाइम से नहीं मिला। और जो लिंक यहाँ पर भेजे गए थे, जो अगर रेगुलर वालों की बात करें, जो कॉलेज वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे उनमें लिंक भेजे थे छात्रों को गूगल मीट पे जुड़ो, और गूगल मीट को लेकर बड़ा हवा बनाया जा रहा था, वो हवा जो है आज हवा हो गया। तो आप सभी के दिमाग से भी ये जो हवा बना हुआ था वो हवा हो जाना चाहिए। गूगल मीट की आप टेंशन ना करें, 100 बात की एक बात आप समझ लें। चिल्ला कर स्कीम किसी को ना बताएं, बाकी आप खुद समझदार हैं। गूगल मीट का हवा ना बनाएं, और ये हवा जो है हवा हो गया। बहुत ही रेयर चांस थे कि किसी को कॉल आई होगी, अदरवाइज जो है गूगल मीट पर ही सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, बड़े बढ़िया ढंग से एग्ज़ाम दिए हैं। और बहुत सारे छात्र जो हैं जिनके प्रीवियस जो हमने पोस्ट की थी कि उस पोस्ट पर यही कमेंट देखने को मिलेगी, मज़ा आ गया इस तरीके से एग्ज़ाम देकर, बहुत शांति मिली, सारा जो है डाउट था क्लियर हो गया, दिमाग में जितनी भी परेशानी भरी हुई थी वो थोड़ी बहुत ही दूर हो गई। तो आप भी अपनी समस्या जो है वो ज़्यादा ना बढ़ाएं, ज़्यादा टेंशन ना करें गूगल मीट को लेकर। तो समस्या ये थी, टाइम पर जो है छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, यूनिवर्सिटी की साइट जो है विजिट नहीं हो पा रही थी, ओपन नहीं हो पा रही थी। उसके बाद 10 बजे के बाद, 10:20 के बाद, किसी को 10:30 के बाद, यानी 10:30 बजे के बाद जो क्वेश्चन पेपर वो छात्रों को लेट मिला। मेन प्रॉब्लम यही रही आज की, छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेट मिला। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी रही कि जो एडमिट कार्ड हैं वो बहुत सारे छात्रों के नहीं आए हैं अभी तक भी, जिनके अभी एग्ज़ाम होने हैं आने वाले दिनों में, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि जब वो इतनी सारी फ़ीस लेते हैं तो बदले में छात्रों को टाइम पर सुविधाएँ भी दें, टाइम पर जो भी यहाँ पर सुविधा है वो छात्रों को दी जाए, कि टाइम पर उनका क्वेश्चन पेपर भी दिया जाए, एडमिट कार्ड भी टाइम पर उन तक पहुँचाया जाए। तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन खुद करना चाहिए। अब छात्र अगर कोई टाइम से कोई फार्म नहीं भरता है, एग्ज़ाम फार्म नहीं जमा करा, तो ये फट देसी झटपट तरीके से ये जो है बस ये कह देते हैं आपने तो इतना फ़ाइन देना है, उस वक्त तो फ़ाइन होता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी गलती करे तो उसके लिए क्या कोई फ़ाइन नहीं है? जब इतनी सारी फ़ीस भरते हैं तो यूनिवर्सिटी को भी समझना चाहिए, छात्रों की समस्याएं हैं जो यूनिवर्सिटी को ही समझनी है, यूनिवर्सिटी को ही सॉल्व करनी है, और ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी है। ये जो छात्र इतनी इतनी फ़ीस भरते हैं कि यूनिवर्सिटी में धक्के खाने के लिए फ़ीस नहीं भरते हैं, वो अपने काम के लिए फ़ीस भरते हैं कि हाँ उन्होंने एग्ज़ाम फार्म भरा है, पेपर होंगे, रोल नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या बनी हुई है, रोल नंबर ही टाइम से नहीं मिल रहा है। पहले ही कह रहे थे कर देंगे अपलोड, अभी तक अपलोड ही नहीं हुए इनसे। तो इन सभी समस्याओं के बारे में यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। सोचना क्या है, काम करना चाहिए, काम करने से ही बात बनेगी। सोचते तो कभी से रहे होंगे बट ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे सही ढंग से। अब कुछ माह से ये भी कहते हैं कि आप बता दो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो तो इनकी जिम्मेदारी है ना एग्जीक्यूट करना, तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से करें। पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी भी तो करना ज़रूरी है। अब किसी के घर में कोई जेठा बात होता है या जेठा ब्याह होता है, किसी का शादी होती है जेठी, तो वो भी तो अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं, वो अपना पूरा जोर लगाकर जो है अच्छे तरीके से उस शादी को कंप्लीट करें, अच्छे तरीके से ब्याह संपन्न हो जाए। तो ये तो एग्ज़ाम्स हैं, ये तो पहली बार करवा रहे हैं, तो इनको भी तो तैयारियां करनी चाहिए, कुछ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश का पूरा ही काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। सभी छात्र ये चाहते हैं, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत स्ट्रेस वो झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर है, क्योंकि पहले इतना सारा समय छात्रों का बर्बाद हो चुका था। और गूगल मीट वाली बात है वो तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, तो दो साथियों के आज एग्ज़ाम थे, उसी के कारण जो है आज सारा दिन जो है एग्ज़ाम्स में ही बीत गया, कुछ हेल्प करने में, कुछ और काम करने में जो है हमारा आज दिन सारा ऐसे ही बीत गया। अभी सिर्फ 3 घंटे पहले ही फ्री हुए थे एग्ज़ाम्स के फेर से, कल से फिर यही काम है एग्ज़ाम के संदर्भ में, इसकी हेल्प, उसकी हेल्प, उसका मैसेज आ गया, उसको जवाब देना, ये काम करना, वो काम करना, तो ये जो है एग्ज़ाम्स का मामला चलता ही रहेगा। तो थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बिजी रहेगा, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे, लेट सेट जब भी होगा आपके साथ जानकारी शेयर ज़रूर की जाएगी। अगर किसी को अब भी डाउट है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, पहले जो है टेलीग्राम के अकाउंट हमने बता दिए थे। और जिनके भी एग्ज़ाम सेंटर मेंशन है, यानी कि जो भी मेल आईडी मेंशन है जिस किसी के भी एडमिट कार्ड पर, अगर किसी को कोई समस्या है तो वो जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे पास आउट वाले हैं, उनका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है
जहाँ पर वो एग्ज़ाम पहले देते थे, अगर वही एग्ज़ाम सेंटर आए हो तो वहाँ से वो कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि उनके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ उनको करना है। तो बहुत सारे जो हैं एग्ज़ाम सेंटर वालों ने ये कह दिया, जो पास आउट वाले हैं उसी कॉलेज के जो पास आउट हैं, मान लीजिए किसी का वही कॉलेज था उसी से पास आउट है, वही एग्ज़ाम सेंटर है अब की बार भी, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने साफ़ कह दिया कि आप सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करो, PDF बना के भेज दो, बस बोल रहे बहुतों ने। तो अगर किसी को इस बारे में डाउट है तो वो अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो जहाँ से वो पास आउट है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो उनका एग्ज़ाम सेंटर है वो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट वालों को लेकर जो सीन है, प्राइवेट वालों को लेकर, डिस्टेंस वालों को लेकर, वो भी आपको जल्दी क्लियर करवा दिया जाएगा। कल जो है किसी का MA का है पेपर डिस्टेंस का, तो जल्दी जो है डाउट उसका भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो जितनी जानकारी दी गई उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और गूगल मीट का हवा जो आपके दिमाग से हवा हो जाना चाहिए, तो उसके बारे में आप टेंशन ना करें, आप सिर्फ अपना एग्ज़ाम करने पर ध्यान दें। अब ये पूछना तो आप रहने ही दें कि हम नकल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद भी समझदार हैं, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ कर जो है समझदारी ज़्यादा, आप समझदार हैं यही हम समझते हैं कि आप ज़्यादा समझदार हैं, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई फिर। तो आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर किसी को स्कीमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको साझा की जाएंगी। जो भी जानकारी थी आज के एग्ज़ाम्स के बारे में वो हमने आपको बता दिया। गूगल मीट का था मेन, तो सबसे बड़ी समस्या यही थी, और उसी के बहुत सारे जो है डाउट क्लियर हो गए हैं। तो जैसे पेपर 10 बजे शुरू हुआ, 10 बजे के बाद निगरानी रखी, तो फिर उन्होंने जो साथियों के एग्ज़ाम थे 12:30 बजे बोल दिया कि आप एग्जिट कर जाओ, उन्होंने गूगल मीट बंद कर दिया। तो 12:30 बजे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद बोल दिया कि आप PDF सबमिट कर दो, और बाद में जो यूनिवर्सिटी ने भी नोटिस निकाल दिया था कि 2 बजे तक टाइम है, 2 बजे तक आप सबमिट कर सकते हो, 1 बजे की बजाय 2 बजे का टाइम दे दिया था। तो इसमें तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, आप गूगल मीट की चिंता ना करें, बस अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।